स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का चैप्टर नंबर 9 फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 9.3 को स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है हमारी 9.3 के अंदर। जैसे हमने 9.1 के अंदर क्या पढ़ा था, सिंपल फोर ईयर ट्रांसफॉर्म। सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ा था, साइन और कोसाइन की फोर ईयर ट्रांसफॉर्म। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स, उनकी जो इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म होगी ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अगर हम फोर ईयर ट्रांसफॉर्म निकालते थे तो क्या निकालते थे, एफ ऑफ एस। अगर हम इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, एफ ऑफ टी। मतलब या तो वो ये बोल दें कि एफ ऑफ टी निकालो, या फिर वो ये बोल दें कि इनवर्स निकालो, हमारा इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट फोर ईयर ट्रांसफॉर्म, तो भी आपको क्या ही निकालना है, उसका मतलब क्या ही है, एफ ऑफ टी ही निकालना है। ओके, तो एफ ऑफ टी हमारा क्या होगा, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, क्योंकि इनवर्स है ना, इनवर्स ऑफ फोर ईयर ट्रांसफॉर्म। जो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म हमने कर रखी है उसका इनवर्स निकालेंगे, तो वो उसको हम क्या नाम दे देंगे, एफ ऑफ टी। वो किसके इक्वल होता है आपका, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ओफ एस ई की पावर आयोटा एस टी डी एस। ये आपका रूल है, जैसे आपका वो फोर ईयर ट्रांसफॉर्म का रूल होता था, वैसे इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म का भी रूल है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एफ एस, मतलब उसका इनवर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एस ई की पावर आयोटा एस टी डी एस। सिमिलर अगर आपका सिंपल, देखो ये तो इनवर्स है सिंपल फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की, अगर हमें इनवर्स निकालनी है साइन ट्रांसफॉर्म की या फिर कोसाइन फोर ईयर ट्रांसफॉर्म की, अगर हमें साइन वाले की फोर ईयर इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, एफ टी निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, 2/π 0 to infinity एफ एस एस साइन एस टी डी एस। और अगर आपको कोसाइन वाले की निकालनी है तो यहाँ साइन की जगह कोस आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। तो आपको ये तीन रूल याद होनी चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए, आपकी स्टार्टिंग ही इन रूल से होगी हर एक क्वेश्चन में। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस, देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ़ इट्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म इज दिस। आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। अब देखो, अगर आपका जिस टी में फंक्शन है तो आप एफ ऑफ टी निकाल दोगे, अगर एक्स वगैरह की फॉर्म में तो आप एफ ऑफ एक्स निकाल दोगे। तो मतलब एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ टी, इस टाइप की जब हमें टर्म निकालनी हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इनवर्स फोर ईयर ट्रांसफॉर्म का। तो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स इट्स ऑफ इट्स फोर ईयर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसकी फोर ईयर साइन ट्रांसफॉर्म ये है। क्या बोल दिया कि इसकी एफ ऑफ एक्स निकालो जिसकी फोर ईयर साइन ट्रांसफॉर्म, ये हमें गिवन है, मतलब फोर ईयर साइन ट्रांसफॉर्म तो ये हमें दे रखी है, एफ ऑफ एक्स निकालो। तो वही हम रूल लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स जो साइन वाला ये वाला रूल था वो वाला, 2/π 0 to infinity एफ एस साइन एस एस डी एक्स। अब देखो, 2/π एज इट इज़, एफ एस एस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, एस अपॉन 1+s² साइन एस एक्स डी एक्स, तो हमारा ये आ गया। उसके बाद देखो, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था, जब साइन एस एक्स अपॉन 1+s² टाइप की टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली टर्म है उसको नीचे वाली टर्म के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, तब यहाँ पे साइन हो। अगर यहाँ पे पहले कोस होता तो पहले हम उसका एक बार डेरिवेटिव करते फिर उसको उसके जैसा बनाने की कोशिश करते। ओके, अभी यहाँ साइन ही है तो अभी आपको इसके जैसा बनाना है। देखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो एस के साथ तो क्या आ जाएगा, s² / s (1+s² साइन एस एक्स डी एस, आपका ये बन गया। अब देखो इसके अंदर तो 1 ऐड भी है तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन गया साइन एस एक्स डी एक्स अपॉन दिस। अब इसके बाई में तो ये अलग से लिख देंगे, माइनस ऑफ इसके बाई में ये अलग से लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये, तो आपका ये आ जाएगा। ओके, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर, अभी बताया मैंने आपको कि अगर यहाँ पे साइन हो ना तो आप डायरेक्ट इसको नीचे वाले, ऊपर वाले को नीचे वाले जैसा बनाओ, लेकिन अगर साइन ना हो, कोस हो, तो पहले साइन बनाओ। मैंने ऐसा क्यों बोला कि साइन ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो देखो हमारा एक इस टाइप की टर्म बनेगी एक, और सिर्फ हमें साइन एस एक्स अपॉन एस की ही वैल्यू पता होती है कि ये π/2 है, यहाँ हमें कोस एस एक्स अपॉन एस की वैल्यू नहीं पता होती। इसी वजह से मैंने आपको बोला अगर साइन की फॉर्म में है तो साइन की फॉर्म में रख लो, और अगर कोस की फॉर्म है तो उसको साइन की फॉर्म में पहले बनाओ, मतलब एक बार डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो इसलिए लास्ट एक्सरसाइज में हमने डेरिवेटिव किया था, लेकिन इस एक्सरसाइज में इधर डेरिवेटिव नहीं किया, क्योंकि हमें सिर्फ साइन एस एक्स अपॉन एस की वैल्यू ही पता है, कोस वाले की वैल्यू नहीं पता। तो ये वाली टर्म आ गई थी हमारे बाई में अलग अलग करके, तो ये टर्म आ गई। आप देखो, 2/π इसकी वैल्यू तो हमारी किसके इक्वल होती है, 2 के, तो हमने ये वैल्यू रख दी, माइनस ऑफ 2/π
साइन एस एक्स अपॉन एस इंटू वन प्लस एस स्क्वायर डी एस, आपकी ये वैल्यू आ गई, कैंसिल हो गया, वन आ गया, माइनस टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस इंटू वन प्लस एस स्क्वायर डी स्क्वायर डी एस, ये वाली टर्म बन गई। अब देखो हमें क्या करना है, हमें निकालनी है, वैसे निकाला तो हमें एफ एक्स ही है, एफ ऑफ एक्स, लेकिन देखो अब ये हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा है, साइन एस एक्स अपोन इसका इंटीग्रेशन वो भी जीरो से इन्फिनिटी लिमिट तक, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो दूसरे रूल्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प करेंगे, हेल्प लेंगे। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें एक बार इसका डेरिवेटिव करो, देखो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव करते ही ये वाली ज़ीरो, माइनस टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी। अब डेरिवेटिव बस तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन देखो एक बार और कि जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से करना होता है, इसके अंदर हम कौन सा रूल लगाते हैं, एल रूल, मतलब लेबनीज़ रूल, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन है ना, उसके अलावा हमारा जो भी वेरिएबल होगा उसके ही रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो जैसे उसके अलावा हमारा वेरिएबल कौन सा है, एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, इस वजह से डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस टू बाई पाई, उसका ये तो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म हो गई, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो बचा कौन सा, ये कोस एस एक्स इंटू एस अपॉन दिस एज इट इज़ डी एस, एस से एस कैंसिल, ये वाली टर्म बन गई। अभी भी कुछ हमें नहीं लग रहा, अभी भी समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन के अंदर क्या है, तो एक बार और हम इसका डेरिवेटिव करें, तो देखो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी, वही उसका एक्स के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव चलेगा, कोस ऑफ एस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एस एक्स इंटू एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर डी एस, तो आपकी ये वाली टर्म बन गई। अब ध्यान से देखेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये तो हमारी कौन सी टर्म है, वही टर्म है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, मतलब ये तो हमारा क्या एफ ऑफ एक्स, देखो टू बाई पाई एस साइन एस एक्स अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर टू बाई पाई साइन एस एक्स अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, और ये तो हमारा क्या था, एफ ही था, फंक्शन था, तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इससे हमें इक्वेशन बन गई जो हमारी ओडी वाले मैथ में होती थी, वैसे टाइप की इक्वेशन बन गई। तो इस वजह से क्योंकि हमसे ये सॉल्व नहीं हो रहा था, हमने इसके दो डेरिवेटिव किए और फिर हमारी इस टाइप की इक्वेशन बन गई, और फिर अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और हमें तो एफ एक्स ही चाहिए। तो देखो अब देखो ओडी वाले तरीके से हमारा क्या होता था, डबल डेरिवेटिव को या फिर सिंगल डेरिवेटिव को हम डी लिखते थे, डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर लिख देते थे, तो यहाँ डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, डी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस वन, ये वैल्यू आ गई। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता था वो, जो भी यहाँ ये टर्म होती थी हमारा एफ ऑफ एक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, यहाँ सी वन सी टू लिख लो, ए बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, ई की पावर प्लस वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस वन एक्स, तो आपकी ये वाली टर्म बन गई। अब हमें तो निकालना था एफ एक्स, और हमने एफ एक्स निकाल भी लिया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है अभी भी कि ये फालतू के कॉन्स्टेंट आ गए हैं, अभी ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, और इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो बस हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमें तो एफ ऑफ एक्स ही चाहिए है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, ए और बी की वैल्यू। अब देखो अभी इसको छोड़ो, पहले ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू से आप देखिए ये वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर टू, इसे आपको क्या, इस अब अगर हमें कॉन्स्टेंट वैल्यू को निकालना होता है, तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वैल्यू होती है ना ये एक्स टाइप वगैरह की, इसकी हमें कोई भी सुटेबल वैल्यू ले लेते हैं जिससे हमारी ये वैल्यू निकल जाए, ए और बी की वैल्यू निकल जाए, और नॉर्मली यूजुअली हम इस बुक के अंदर वो वैल्यू ज़ीरो ही लेते हैं, तो इस वजह से इन्होंने एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर रखा है एफ ऑफ ज़ीरो। तो सेकंड इक्वेशन देखो, अगर हम इसके अंदर ज़ीरो पुट कर दें तो क्या आएगा, साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो क्या बन गई, पूरी टर्म ज़ीरो बन गई। अब हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया, वन माइनस ज़ीरो वन, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वन आ गई। ओके तो देखो ये एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ गया हमारा, वन, क्योंकि एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दिया था, ये वैल्यू वन आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर देखो फिफ्थ के अंदर, इसके अंदर ज़ीरो पुट करेंगे एफ ऑफ ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, ए किसी की भी, देखो ये बनेगा ए ई की पावर ज़ीरो प्लस बी ई की पावर ज़ीरो, किसी की भी पावर ज़ीरो तो वन होती है, तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी के इक्वल आ गया, हमारी ये टर्म आ गई। अब देखो ये वाली टर्म भी एफ ऑफ ज़ीरो है, ये वाली टर्म भी एफ ऑफ ज़ीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो हमारी ये टर्म बन गई कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू वन है, ठीक है। अब जैसे हमने इन दोनों का यूज़ करके एक इक्वेशन बना ली, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि
एक दो और इक्वेशंस का हम यूज़ कर लें। जैसे हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन जिसके अंदर डी एफ अपॉन डी एक्स है, इसके अंदर हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। और हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है ना एफ ऑफ एक्स, इसका भी एक बार डेरिवेटिव कर देंगे ताकि हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से भी एक इक्वेशन बना सकें। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ए ई की पावर एक्स, बी ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो आ गया माइनस बी ई की माइनस एक्स। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब वही क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसके अंदर जीरो वैल्यू पुट करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर जब कोस जीरो तो हमारा क्या होता है वन, तो माइनस टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी वन बाई वन प्लस एस स्क्वायर डी एस, हमारी ये वाली इक्वेशन आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे वन बाई वन प्लस एस स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एस, और फिर हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एस लिमिट जीरो से इन्फिनिट माइनस ऑफ टू बाई पाई बाहर। ठीक है, तो ये हमारा ये बन जाएगा, यानी कि ये जब हम इसके अंदर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारा पाई बाई टू होता है, और टेंजेंट इनवर्स जीरो हमारा जीरो ही होता है, और ये बाहर हमारा माइनस टू बाई पाई था, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस वन आ गया, ये वैल्यू हमारी माइनस वन आ गई। सिमिलर अब हम जो ये इक्वेशन हमने खुद से बनाई थी इसके अंदर भी जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर जीरो, किसी की पावर जीरो वन माइनस बी, वो किसके इक्वल आ गया, डी एफ अपॉन डी एक्स से इक्वल आ गया। अब ये वाली टर्म देखो ये आ गया, अब ये वाली टर्म भी मेरी डी एफ अपॉन डी एक्स है, ये वाली टर्म भी डी एफ अपॉन डी एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन। अब देखो एक तो इक्वेशन हमने नॉर्मल इससे निकाल ली थी जो कि हमारी क्या गई थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, और एक इक्वेशन हमारी क्या गई, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ए प्लस ए टू ए, ये भी कैंसिल हो गए, जीरो, ए की वैल्यू क्या गई, जीरो। जब हम इसके अंदर ए की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, बी की वैल्यू वन आ गई। और हमने क्या बोला था कि ये हमारा सॉल्यूशन, लेकिन इसमें फालतू के ए और बी कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इस वजह से दिक्कत थी। अब ए की वैल्यू तो हमारी जीरो आ गई और बी की वैल्यू वन आ गई, इसके अंदर पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, और ये बन जाएगा वन इंटू ई की पावर माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, ई की पावर माइनस एक्स, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी थे, आप हाथ से करके देखोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो समझ ना आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एफ एक्स, वही जैसे पिछले क्वेश्चन में भी एफ एक्स निकाला था, इसमें भी हमें एफ एक्स निकालना है। गिवन क्या है कि फोरियर के साइन ट्रांसफॉर्म, ये वाली वैल्यू गिवन है, हमें एफ एक्स निकालना है, और ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और फिर क्या बोल दिया इन्होंने, हैंस डिड्यूस, और इसके बाद ये वैल्यू भी निकालो। पहले तो आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, हैंस डिड्यूस लिखा होता है ना, हैंस उसका मतलब होता है कि जो आपने ये वैल्यू निकालनी है ना, उसी की हेल्प से ये वाली वैल्यू निकालो, ये नहीं है कि हम अलग से इसकी वैल्यू निकालेंगे, नहीं, हैंस डिड्यूस का मतलब क्या होता है कि इसी की हेल्प लेके फिर ये वाली वैल्यू भी निकालो। अब देखो फोरियर के साइन ट्रांसफॉर्म दे रखे हैं, ई की पावर माइनस ऑफ ए एस अपोन एस, निकालना क्या है, एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला यूज़ किया इन्वर्स वाला, टू बाई पाई जीरो से इन्फिनिटी ई की माइनस ए एस अपोन एस साइन एस एक्स डी एस, हमारी इक्वेशन नंबर वन हमने लेट कर ली। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसके अंदर, हम पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे, वो वन प्लस एस स्क्वायर होता था, ऊपर की टर्म को इक्वल बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है। अब जो आगे के सारे क्वेश्चन आएंगे थोड़े इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख लेना। देखो पहले ये देखो करा क्या क्या किया है, फिर ये देखेंगे कि क्यों किया है। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई, हमारी फोरियर की साइन ट्रांसफॉर्म दे रखी थी, हमें एफ एक्स निकालना था, तो हमने इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि हमें एफ एक्स निकालना था। अब हमने क्या किया है, इसमें डिफरेंशिएट करा है दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही हमें डेरिवेटिव क्यों करना है, क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू लेबनीज़ रूल, जो जिसके हमारे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उससे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, तो इस वजह से डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू बाई पाई जीरो से इनफिनिटी ई की माइनस ए एस अपॉन एस, तो हम इसका ही करेंगे क्योंकि इसके अंदर ही एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एस कोस एस एक्स ये डी एस। अब ये वाली टर्म आ गई, एस से एस हो गया हमारा कैंसिल, टू बाई पाई जीरो से इनफिनिटी ई की माइनस ए एस कोस एस एक्स डी एस। देखो उसके बाद हमारी डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई टू बाई पाई, और ये वाली वैल्यू कैसे निकाली है अभी बताती हूँ मैं, जीरो से इन्फिनिटी ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू है,
मैंने आपको 9.2 के स्टार्टिंग में ही रिडक्शन फार्मूलाज कराए थे चार, जिनमें से एक रिडक्शन फार्मूला ये था कि 0 से इन्फिनिटी ई के माइनस ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ बस बी की जगह क्या है, एक्स है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म आ गई। ओके, 2/π। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, ये आपको समझ में आ गया कि ऐसे किया, लेकिन ये ऐसे क्यों किया है। हमें पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था, साइन एक्स एस एक्स अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर टाइप की टर्म होती थी, ऊपर वाली टर्म की तरह बनाना होता था, ठीक है, तो हम बना लेते थे फिर उसको अलग तरीके से सॉल्व करते थे, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। अब लेकिन हमें एफ एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन होगी ना उसी का तो डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी का डेरिवेटिव करेंगे, और मतलब डी एक्स के रिस्पेक्ट में जो भी इससे अलग वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में इसी का तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, देन जो इक्वेशन आ गई उसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, वैल्यू तो हमारी एफ एक्स ही आएगी। अब देखो मान लो हमारी कोई टर्म है, एफ एक्स ही लगा लो, ये टर्म है, अगर हम इसका डेरिवेटिव कर दें फिर उसका इंटीग्रेशन कर दें, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो भी हमारा रहेगा तो क्या, एफ एक्स ही रहेगा, तो इस वजह से, और हमें निकालनी भी वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमसे सोल्व नहीं हो रहा था, तो हमने क्या आइडिया लगाया कि हम एक बार इसका डेरिवेटिव कर दें फिर उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दें, क्या पता फिर हमारा आंसर आए, और उससे हमारा जो सोल्यूशन है वो ईजिली निकलता चला जाएगा। अभी आपको डेरिवेटिव तो समझ आ गया कि कैसे निकालना है, डेरिवेटिव की वैल्यू आई, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के ही रिस्पेक्ट में, तो हमारी ये वैल्यू वापस क्या बन जाएगी, एफ एक्स, और 2a/π बाहर। फिर हमने क्या किया इसके अंदर, जो हमारा ये होता है ना, देखो ये ऐसे है 2a/π बाहर 1a² + x², फिर हमने क्या किया है, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये f बचा है, मतलब f ऑफ x का ही फंक्शन है, तो f ऑफ x लिख दिया। ओके, फिर इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2a/π बाहर, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना 1a² + x² का, तो वो क्या हो जाएगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a + c। अब हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ गई है, यही आनी थी, हमें एफ एक्स की वैल्यू ही चाहिए थी, ये हमारी आ गई, लेकिन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे ए और बी कॉन्स्टेंट आ गए थे फिर हमने उनकी वैल्यू निकाली थी, सिमिलर हमारे इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या आ गया, एक कॉन्स्टेंट आ गया सी, तो हमारा वैसे एफ एक्स ही हमें निकालना है, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म सी आ गई, तो इसकी वैल्यू और निकाल के इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्या करा इन्होंने, फिर वही हम दो इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं, जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेंगे, और हमें, मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि कोई इसकी वैल्यू निकालने के लिए कोई एक्स की स्टेबल वैल्यू लेते हैं जिसके अंदर पुट करते हैं, और वैल्यू वो हम नॉर्मली 0 ही लेते हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या ले लेंगे, 0 ही ले लेंगे। तो देखो इसके अंदर जब 0 पुट करेंगे तो सीधा इस पे आओ, साइन 0 0, तो सारी टर्म 0, तो एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, 0। जब हम सेकंड इक्वेशन के अंदर 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0, ये भी हमारा टेंजेंट इनवर्स 0, तो 0 प्लस सी, तो हमारा देखो एफ ऑफ 0 0 आ गया, एफ ऑफ 0 सी आ गया। राइट हैंड साइड अगर, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस इक्वेशन के अंदर हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ एक्स हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2/π टेंजेंट इनवर्स x/a। यही हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया, जो इन्होंने पूछा था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो, और ये दे रखा था, हमने ये वैल्यू लिखी, एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें ये सोल्व करना नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने इसी इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव किया, फिर उसका उसी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, और फिर हमारा सॉल्यूशन निकल गया, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट सी आ गया, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशन के अंदर एक्स की जगह 0 पुट किया, सी की वैल्यू आ गई, इसके अंदर पुट कर दी, हमारा सॉल्यूशन बन गया। अब एक क्वेश्चन तो इसमें कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि हेंस डिड्यूस दिस, अब हैंस, अब इसकी ये वाली वैल्यू भी निकालो, ठीक है। तो अब देखो हमें एफ ओ एस ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये क्या है, एफ एस इनवर्स 1/s, लेकिन अगर उसको उधर लेके चले जाएं तो क्या बन जाएगा, एफ ओ एस, और इक्वल टू हो जाएगा 1/s। तो अब देखो ध्यान से कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में क्या दिख रहा है, कि अगर हम ए की वैल्यू 0 पुट करें ना, तो ये वाली टर्म बन जाएगी, देखो ए की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ, 0/s, किसी के पास 0 1/s, तो अगर मैं ए की जगह 0 पुट कर दूँ ना, तो ये वाली टर्म जो मेरी यही दिख रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हमें निकालना क्या है, एफ एस इनवर्स 1/s, ये निकालना है, ठीक है, मतलब हमें इनवर्स निकालना, मतलब हमें एफ एक्स ही निकालना है ना।
अब हमें एफ एक्स निकालना है, लेकिन हमें इसको देख के पता चल गया था कि ए की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तब हमारा एफ एक्स इसका आ जाएगा। तो जो हमारा एफ एक्स इसमें आया हुआ है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, ए की जगह पुट कर देंगे ज़ीरो। तो टू बाई पाई टेंजेंट इनवर्स समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी, तो टू बाई पाई टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी हमारी ये वाली टर्म बन गई। टू बाई पाई टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई टू, ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या गया वन, एंड दिस इज़ आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।